गांधीनगर थी अडवाणी ना स्थाने अमित शाह ने टिकट आपवा मुद्दे जी चोवीस कलाक साथे वातचीत में भाजपा नेता जेपी नड्डाए कहू के अडवाणी जी अमारा वरिष्ठ नेता छे, कहू के अडवाणी जी अमारा आदरणीय छे अने तेमनुं स्थान पहला जेवुं ज रहेशे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अपनी साथे जोड़ाया छे, तेमनी साथे ज वात करीशुं। सर, बहुत बड़ा फैसला, अमित भाई राज्यसभा में 2024 तक है, मगर गांधीनगर सीट पारंपरिक सीट से वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्यों इस तरह चौंकाने वाला नहीं है? गुजरात की चुनाव समिति का सर्वसम्मति का निर्णय है और वो बहुत चाहते थे कि अमित भाई उनका रिप्रेजेंटेशन गांधीनगर से करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठतम नेता, और उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को ग्रो किया है, गुजरात की जनता चाहती थी कि वो लोकसभा में आए, और उसके लिए उन्होंने सर्वसम्मति से ये पारित किया और केंद्रीय चुनाव समिति ने इस प्रस्तावना को अपनी सहमति दी है। 2014 में पीएम ने 26 सीट जिताई थी, क्या इस बार रणनीति है कि अमित भाई के थ्रू 26 सीट फिर जीते? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के संगठन कौशल में हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे। सर, प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही सीट से लड़ रहे बनारस से, ये कंफर्म है या और भी कोई? देखिए, ये फिर मैं कहूंगा कि वो बनारस से लड़ रहे हैं, जो इतना हम लोगों ने आज चुनाव समिति ने तय किया है उसकी चर्चा आपसे की और वो आपको बता रहा हूँ। अंतिम सवाल, लालकृष्ण आडवाणी 1998 से गांधीनगर के सिटिंग एमपी है, अब तक क्यों टिकट कटी सब जानना चाहते हैं। फिर हमारे यहाँ ये कटने का सवाल नहीं होता, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये सब शब्द आपके होते हैं और आपकी शब्दावली में होते हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठतम लोगों की जिम्मेवारियां अपने अपने ढंग से समय समय पर होती हैं। वो जिम्मेवारी अब अमित शाह जी वहां से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये रहने वाला है। आडवाणी जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं और हम सब के बहुत ही जिसको कहते हैं कि हमारे आदरणीय भी हैं और प्रेरणा स्रोत हैं, और उनका स्थान, सम्मान, सब कुछ वैसा ही पार्टी में है, रहेगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर अत्यासुधी एक बनारस बैठक थी लड़से अने गांधीनगर थी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह निर्णय, अमित शाह चूंटनी लड़से थे, तमने कहूं तो दिल्ली थी कैमरा पर्सन लेखराज साथ।